नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आ गए अपने वाराणसी के अस्सी घाट पर और इस समय संध्या काल का समय है, माँ गंगा की आरती शुरू होने वाली है। तो आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि कितने लोग माँ गंगा की आरती देखने आते हैं और किस तरह से जो कि अस्सी घाट की माँ गंगा की आरती की जाती है। तो वीडियो में बने रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि कितने सारे लोग जो कि आरती देखने के लिए बैठे हुए हैं, और अभी आप लोगों ने देखा कि अभी जो कि आरती मंच पर पंडित जी लोग नहीं आए हैं, फिर भी यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी सारे लोग बैठ चुके हैं। और हर शाम इसी तरह से जो कि अस्सी घाट की आरती गुलजार होती है। यह देख पाएंगे दोस्तों जो घाटों पर जो कि पानी कम हो रहा है, पानी काफ़ी नीचे जा चुका है। आरती देखने के लिए किस तरह से लोग आए हुए हैं, और नावों पर काफ़ी सारे लोग जो कि बैठ चुके हैं माँ गंगा की आरती देखने के लिए। और पानी जो कि हमारे पास में दिखा देते हैं तो काफ़ी नीचे जा चुका है, यह देख पाएंगे आप। यह जो कि आरती का मंच है और इसी के नीचे जो कि काफ़ी ज़्यादा पानी नीचे जा चुका है, ये देख पाएंगे। और काफ़ी सारे लोग जो कि आरती देखने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ इस तरह का हाल जो कि आपका अस्सी घाट का भी है, उधर भी ले चलते हैं आपको अस्सी घाट की तरफ। पाएंगे जो कि पानी कम होने के बाद मिट्टी भी दिखाई देने लगा है नावों पर से। और इस साइड में देख पाएंगे कि जो कि काफी सारे लोग नावों पर नजर आ रहे हैं और घाटों पर भी किस तरह से लोग नजर आ रहे हैं। और गंगा जी का जलस्तर देख पाएंगे जो कि बिल्कुल नीचे जा चुका है, देख पाएंगे जो कि मिट्टी जम चुका है, यह सब घाट को साफ किया गया है। कुछ जगह पर जो कि घाटों को साफ भी कर दिया गया है, जैसा कि ये सब लोग बैठे हुए हैं देख पाएंगे। और पानी लगभग जहाँ की पहले सुबह बनारस की आरती होती थी उसके नीचे आ गया है। और कुछ इस तरह का हाल है जो कि नीचे वाली सीढ़ियों पर आपको लेकर चल रहे हैं इस समय। और अस्सी घाट पे देख पाएंगे जहाँ की आरती होती है, यहाँ की आरती देखने के लिए लोग नावों पर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि इस सब चबूतरे पर टोटल पानी भर चुका था, टोटल डूब चुका था। और इस समय देख पाएंगे नीचे वाला भी खाली हो चुका है और सीढ़ी के नीचे पानी है, ये देख पाएंगे। और जो कि अस्सी घाट को साफ किया जा रहा है, यहाँ की पहले के समय में आरती होती थी जो कि प्रॉपर स्थान है उसे साफ किया जा रहा है पानी के जरिए। और ये देख पाएंगे दोस्तों जो कि हम अस्सी घाट की आरती विज्ञान में भी तमाम उन वस्तुओं को सेटलमेंट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, जगह जगह फिट करने के लिए घाट इसी तरह गुंजार होते हैं आरती देखने के लिए। और घाटों पर लोग किस तरह से जमा है यहाँ भी देख पाएंगे। हम सब जो कि पानी जिस उद्देश्य से घाट को साफ किया जा रहा है, इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया वह फलीभूत हो। इसी घाट पर नजर आ रहे हैं और यह जो कि मंदिर है इसी जगह इस समय मौजूद है। और जो कि अस्सी घाट का चबूतरा है टोटल जो कि पानी कम हो चुका है, यह आपको दिखाते हैं। तो यह देख पाएंगे कि यह जो कि पानी थी यह डूबने से चुका था, अभी यहाँ पर पानी खत्म हो चुका है। और इन सब जगहों पर देख पाएंगे लोग कुर्सियाँ लगा कर बैठे हुए हैं, यह सब जो कि पानी इन सब जगहों पर नावें खड़ी थी। और कुछ इस तरह का जो कि अपडेट है अस्सी घाट का देख पाएंगे, जो कि छोटे मोटे दुकान वाले भी हैं, यह सब भी लगाए पड़े हुए हैं। कुछ इस तरह का हाल है। तो दोस्तों यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी बनारस लोग आ रहे हैं घूमने के लिए उन्हें बनारस का अपडेट पता चल सके। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।